बिग बैंग को ब्रह्मांड के निर्माण का कारण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अंतरिक्ष में आज जो भी मैटर या एनर्जी मौजूद है, उन सब का जन्म एक छोटे से केंद्र से हुई है। दरअसल हुआ ये कि अचानक उस केंद्र में बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस केंद्र में मौजूद सारी एनर्जी पूरे अंतरिक्ष में फैल गई और सारी एनर्जी धीरे धीरे इकट्ठा होकर मास और फिर मैटर बनाने लगी। और इस तरह अंतरिक्ष में सुपर क्लस्टर, स्टार्स और बाकी हेवेनली बॉडीज का जन्म। फिर धीरे धीरे सारे स्टार का समूह ने पूरे ब्रह्मांड में लगभग 110 बिलियन गैलेक्सी का निर्माण किया। अभी हम जिस गैलेक्सी को देख रहे हैं उसकी उम्र अंतरिक्ष में मौजूद बाकी गैलेक्सी से बहुत ज्यादा है और इसी गैलेक्सी में हमारा सौर मंडल भी बसा हुआ है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा हमारी पृथ्वी भी है। इस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। अगर हम अपने सोलर सिस्टम के जन्म के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत मिल्की वे के ओरियन आर्म में सूर्य के जन्म के साथ ही होती है। वैसे हमारा सूर्य तो एक तारा है, लेकिन स्पेस में मौजूद बाकी सितारों से ये काफ़ी अनोखा है, क्योंकि जहाँ तक लगभग सारे तारों का जन्म बिग बैंग के साथ हुआ था, वहीं सूर्य का जन्म लगभग 9.2 बिलियन यानी 920 करोड़ वर्ष बाद हुई थी। बाकी तारों की तरह ही इसका जन्म भी डस्ट और गैस के क्लाउड से हुआ था। मिल्की वे के ओरियन रीजन में एक डस्ट और गैस का क्लाउड अपने ही ग्रेविटी के वजह से कोलैप्स करके एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बनाया और फिर अपने ही आसपास मौजूद गैसों को अपनी ओर खींचने लगा, जिसके कारण इसका साइज काफी बड़ा हो गया और इस तरह सूर्य का जन्म हुआ। लेकिन हमारे मन में अक्सर ये सवाल आता है कि सूर्य इतना गर्म क्यों है? इसका जवाब है सूर्य के केंद्र का प्रेशर, जो कि इसके बड़े आकार के कारण काफी ज्यादा बढ़ चुका था, जिससे केंद्र में मौजूद हाइड्रोजन लगातार हीलियम में बदलते जा रहे थे। यह बदलाव, जिसे हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं, इसी के कारण सूर्य का तापमान लगभग 5600 डिग्री सेल्सियस है। वैसे सूर्य हमारे सौर मंडल का केवल केंद्र ही नहीं बल्कि इसका मुखिया भी है, क्योंकि सारे ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं और हमारे सोलर सिस्टम के ज्यादातर रिएक्शन
सूर्य के ऊर्जा से ही हो रहे हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 8 प्लैनेट्स हैं। कुछ छोटे भी हैं जिनकी हम गिनती नहीं करते। पहला प्लैनेट है मर्क्यूरी, जिसे हम बुध ग्रह भी कहते हैं। यह सूर्य के सबसे करीब है और इसके ज्यादातर हिस्से में आयरन मौजूद है। मर्क्यूरी के पास खुद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। यह है हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह वीनस, यानी शुक्र। शुक्र सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा चमकीला और सबसे गर्म है। इसके पास खुद का कोई उपग्रह नहीं है। यह है हमारे सौरमंडल का तीसरा ग्रह पृथ्वी। ये सौरमंडल के बाकी ग्रहों से काफी अनोखा है, जिसकी वजह है यहां मौजूद जीवन। यह है हमारे सौरमंडल का चौथा ग्रह मार्स, यानी मंगल। इस प्लैनेट का टेम्परेचर अर्थ के बराबर है। पृथ्वी के अलावा जीवन की मौजूदगी की सबसे ज्यादा संभावना इसी ग्रह पर है। इसके बाद आता है पांचवा ग्रह जुपिटर। इसका आकार सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा है। फिर बारी आती है छठे ग्रह सैटर्न, यानी शनि की। इस ग्रह को हम काफी आसानी से पहचान सकते हैं। इसकी वजह है इसके चारों तरफ बनी रिंग की आकृति। यह है यूरेनस वरुण, सातवां ग्रह। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में करीब 84 साल का समय लग जाता है और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इसका ज्यादातर हिस्सा समुद्र से ढका है। यह है हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी ग्रह नेपच्यून।